नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण कैसे किया जा सकता है, इसके क्या क्या लाभ हैं। आपको छोटी सी वीडियो में दो तीन चीजें ऐसी बताता हूँ जिससे जल्दी जल्दी कुंडलिनी जागरण हो जाए और बहुत आसान और सेफ तरीके से हो जाए। इसके दो तीन तरीके आपको बता देता हूँ। दो तरीके, कुंडलिनी जागृत किसके लिए करनी है। कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ध्यान में जब बैठते हैं आपका मन नहीं टिकता, मन कभी इधर कभी उधर, तो हर समय भागता रहता है। उस मन को एक स्थान पे टिकाने के लिए, यानी कि आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको जब आप अंतर ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं तो ध्यान अपने आप टिकने लग जाता है, एक जगह पे स्थिर होने लग जाता है। हम एक ही जगह पे जब बैठते हैं तो शरीर के साथ तो बैठते हैं लेकिन मन दौड़ता रहता है, लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद ऐसा नहीं होता। तो आप ध्यान में बैठेंगे तो एकदम गहरे से गहरा, आप जितना मर्जी गहरा जाएं, आप कई कई घंटों तक चाहें तो कई कई घंटों तक ध्यान कर सकते हैं। ये कुंडलिनी जागरण का फायदा है। दूसरा, और बहुत सारी ऐसी पावर्स, बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां, बहुत सारी शक्तियां वो भी प्राप्त की जा सकती हैं। वो हर चक्कर के खुलने के बाद उनके ऊपर प्रॉपरली काम करने से हो सकता है। अब आपको तरीका बताता हूं कैसे इसको थोड़े समय में अधिक फल लिया जा सकता है, जिससे कुंडलनी तेजी से जागृत हो जाए, या ये कह लो कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा तेजी से होने लगे। लेकिन एक ही तरह का संकल्प कि मेरी कुंडलनी तेजी से जागृत हो जाए, तेजी कुंडलनी के पीछे या किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी जागरण के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। शक्तियां आजकल किसी के पास कमी नहीं है। आपके पास मोबाइल है, इसी में बहुत शक्ति है। आपके पास गाड़ी है, वो कहीं से कहीं आपको पहुंचा देती है। हवाई जहाज उड़ता हुआ कहीं से कहीं पहुंचा देता है। शक्तियां आजकल बहुत है बाहर, लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है, अध्यात्म नहीं है। कोई आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानते। हम कहाँ से आए, किस लिए आए, क्या करने आए हैं, क्या करना है, क्या है इस जगत में, हम किस लिए आए हुए हैं, तो उसके लिए कुंडलिनी के जागरण की जरूरत है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं कि आप जब शाम को सोते हैं, रात को सोते हैं, सोने से कम 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप खाना खा लें, उसके बाद थोड़ा टहल लें ताकि पेट हल्का हो जाए। और जब आप ध्यान में बैठें, भजन में बैठें, जो भी आप करते हैं, कीर्तन करें, रेकी करें, रेकी तो सबसे उत्तम चीज है, एक परमात्मा का नाम ध्यान, परमात्मा का जप तप और दूसरी रेकी, ये सबसे फास्ट प्रोसेस है अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वही से ठीक है, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, या परमात्मा का भजन कर रहे हैं। जब आपका पेट खाली हो, ऐसी अवस्था में रात को बैठ जाएं, जब पेट खाली हो, अगर तो आप परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पीठ थोड़ी टेढ़ी भी हो जाए चल जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं और रेकी कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा कोशिश करें कि पीठ हमेशा सीधी हो। इसके लिए चाहे थोड़ा बहुत सहारा ले लें, इस तरह से सहारा लें, अगर दीवार का सहारा ले रहे हैं तो उसके पीछे कुछ गद्दा तकिया इस तरह की चीज हो कि आपकी एनर्जी अर्थ ना हो, पीछे धरती से थोड़ा अलग रहें। जब आप ध्यान में जाते हैं तो भीतर बहुत तीव्र ऊर्जा वाइब्रेशन पैदा होती है, आप धरती के संपर्क में आएंगे, धरती एकदम से अर्थ करके उसको डाउन कर देगी एनर्जी को। धरती के संपर्क में आए बिना आप किसी बेड पे बैठे हैं, सोने वाले बेड पे बैठे हैं, तो सोने वाले बेड पे बैठे मेडिटेशन करें, ध्यान करें, रेकी करें, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको आंखें नहीं खोलनी है। इसका समय कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। और जब आप ध्यान के लिए बैठे, रेकी के लिए बैठे, उसके लिए दूसरा नियम ये भी है कि आप जब बैठे हैं तो आराम से बैठ जाएं, बंदर वाली खुजली, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये ज्यादा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे तो ये सब काम नहीं करने होते हैं। अगर ऐसा आपके साथ बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब आपके भीतर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तब आपका सहारा केवल और केवल रेकी ही है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, आप केवल हाथ ऊपर करके रेकी का आह्वान करें, आपका कचरा उससे खत्म होने लगेगा। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, जन्मों जन्मों का कचरा है, इतनी नेगेटिविटी है तो समय जरूर लगेगा, लेकिन जैसे ही शुरू करेंगे तो नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाएगी और आप शांत स्थिर होने लगेंगे। अगर हो सके तो पूरी रेकी सीख लें, उससे तेजी से ये काम हो जाता है। आप 1 घंटा बैठे हैं ध्यान के लिए, भजन के लिए, उसके बाद आपने आंखें नहीं खोलनी, सोने के वक्त, सोने के पहले ही करें इसे। दिन में आप जो मर्जी, जितना मर्जी, जैसे मर्जी करते रहें, लेकिन रात को जब सोएंगे तो इसका फल कई गुना हो जाएगा, कई गुना बढ़ा रहा हूं मैं, बता रहा हूं, कम से कम हो सकता है 1000 गुना, 2000 गुना। आपने 1 घंटा तप किया, जप किया,
आपने नाम से विवरण किया उसका 1000 गुना कम से कम मेरे हिसाब से फल, कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा जरूर हो जाएगा इस टेक्निक से। आप आंखें बंद करके बैठे, आपने रेकी की ध्यान कर लिया, उसके बाद में आंखें नहीं खोलनी है, वैसे ही सरकते सरकते टेढ़े होके सो जाएं, टेढ़े होके सो जाएं और करते करते ही सोएं। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो श्वासों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, श्वास को देखते देखते ही सो जाएं। जो भी आप कर रहे हैं उसे देखते देखते ही सोएं, उसे करते करते ही सोएं। कुछ ही दिनों में आपको पता लगने लगेगा कुंडलनी किस तरह से उठ रही है, किस तरह से जागृत हो रही है, किस तरह से आपको हिट करना कुंडलनी ने शुरू कर दिया। जागेगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि अगर एकदम से कुंडलनी जाग जाए फिर मुश्किल भी हो सकती है, बहुत कचरा पड़ा है भीतर, आप खाम खा डर सकते हैं, होगा तो कुछ नहीं लेकिन डर सकते हैं जरूर। लेकिन दूसरी बात मैंने कही है, शक्ति के प्राप्ति के लिए कुंडलनी की साधना ना करें, उसके लिए बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे गुरु बैठे हैं, वो आपको अलग अलग प्रकार की साधनाएं करवा सकते हैं। अगर किसी को शक्ति चाहिए अध्यात्म के लिए रेकी करें, और कहने का अर्थ है जब आपने सोना है तब आंखें नहीं खोलनी, जैसी अवस्था में है वैसे ही आप सरक के लेट जाएं। कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट प्राप्त होने लगेंगे, आपको पता लगेगा यहाँ से कुछ उठा, टक 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 करता हुआ, यहाँ से ठक ठक सर के आगे पीछे लगता हुआ, हल्का हल्का मीठा मीठा, जैसे कोई खुजली कर रहा है, इस तरह से करती हुई वो आके थर्ड आई पे टकराने लगी। और हो सके तो तकिया बिना लिए सोएं, बिना तकिया लिए पीठ को सीधा रख के ही सोएं, अगर टेढ़ी भी हो जाए तब भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि बिना तकिए के सोएं। आपकी अपने आप आपको महसूस होने लगे कुंडलनी आई तृतीय नेत्र पे पीछे टकराई, आगे टकरा रही है और आपको प्योरीफाई करती जा रही है। कुंडलनी जागरण आपको खुद ही प्योरीफाई करता है, आपको खुद ही शुद्ध करता है, आपकी सारी नेगेटिविटी जो भी कचरा है उसको खत्म करने का ये एक आसान तरीका है। ये कुंडलनी जागरण का बड़ा आसान सा प्रोसेस है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।